स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वशीकरण होता क्या है। जितने मुंह उतनी बातें। वशीकरण कोई इंसान की कोरी कल्पना नहीं है, बल्कि ये षटकर्म में सबसे श्रेष्ठ कर्म माना गया है। प्राचीन काल से ही हमारी भारतवर्ष में सम्मोहन, उच्चाटन, विद्वेषण, मारण जैसे षटकर्म सिखाए जाते थे और इनमें अलौकिक शक्तियां होती थी। लेकिन दुर्भाग्यवश आजकल लोग इसका दुरुपयोग करने लग गए हैं, जिस कारण ये जो विद्या है ये लुप्त होती जा रही है। YouTube के माध्यम से मैं चाहता हूं कि मैं फिर से इस विद्या को जिंदा कर सकूं और भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि विश्व के हर एक कोने में इसका प्रचार हो और लोग अपनी चिंताएं, परेशानियां इनसे दूर कर सकें। तो आज मैं आपको बताऊंगा पतिवशीकरण का एक मंत्र जो कि अचूक है। एक बार भी किसी पे लगा दिया जाए तो जिंदगी भर ये हटने का नाम नहीं लेगा। बड़ी परेशानियां देख रहा हूं मैं, मेरे पास 70% जो व्याधियां आती है वो औरतें होती हैं परेशान अपने पति से, तो उनके लिए मैंने ये मंत्र आज खोज निकाला है। इस मंत्र के प्रभाव से आज तक कोई भी अछूता नहीं रहा। आपको बस करना इतना है कि जब भी आप कुछ खाने पीने का सामान अपने पति को दें, जब भी खाना बनाए रोज, तो उसमें 7 बार ये मंत्र अभिमंत्रित कर दें। ओम भगवती भग भागदायिनी, पति का नाम मम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र को रोटी सब्जी कोई भी खाना हो उसमें 7 बार अभिमंत्रित कर दें और फिर अपने पति को दिखाने के लिए। यकीन मानिए इस प्रयोग के बाद आपके पति सिर्फ आपकी माला जपेंगे। ये मैंने काफी लोगों पर प्रयोग करके देखा, उसके बाद आपको दे रहा हूं। अभी पिछले साल मुझे 1 साल इसी में लग गया कि कौन कौन से मंत्र काम करते हैं, कौन से नहीं करते, उन सब के कलेक्शन बनाने में बहुत टाइम लग गया मुझे। तो अब मैं वही सारी चीज़ें आपके सामने रख रहा हूं। तो इस मंत्र को कीजिए पूरे विश्वास के साथ, और सात्विक रहना बहुत आवश्यक है। अपना आहार सात्विक रखें, प्याज का सेवन ना करें और मीट मांस मछली इन सबसे दूर रहें, और पूरा विश्वास रखें इस मंत्र में कि ये मंत्र आपके लिए काम ज़रूर करेगा, तभी जाकर ये काम करेगा, अन्यथा इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपका जो ध्यान है वो पूरा इस मंत्र पर होना चाहिए कि यही एक चीज़ है जो आपको आपके पति से मिला सकती है। अगर कितने ही भारी भरकम झगड़े हो रहे हों, कोई भी रास्ता ही ना दिख रहा हो कि अब क्या होगा क्या नहीं होगा, तो भी इस पर पूरा विश्वास रखिए, तभी ये काम करेगा। क्योंकि मंत्रों में विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। अगर अधिक विश्वास होगा तभी ये मंत्र काम करेंगे, अन्यथा ये मंत्र किसी काम के नहीं है। आप बस इस पर पूरा विश्वास रख कर कीजिए। 7 बार इस मंत्र को अभिमंत्रित करना है किसी भी खाने की चीज़ में, चाहे वो पानी हो चाहे चाय हो, किसी में भी आप मिलाकर दे सकते हैं। और इसके बाद अगर आपको फिर भी कुछ समझ में ना आया हो तो मुझे कॉल कीजिएगा 999-2-16-25। धन्यवाद।